एच यू एल हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड लगभग हर रिटेल निवेशक का ये एक फेवरेट स्टॉक रहा है दोस्तों हो भी क्यों नहीं जिस हिसाब के कारपोरेट एक्शन यानी कि डिविडेंड देने में स्टॉक स्प्लिट करने में या रिटर्न बनाकर देने में इस कंपनी का स्टॉक तीनों ही ऐसी चीजों में खरा उतरा है यहाँ पर रिटेल निवेशकों का बहुत ज्यादा भरोसा है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के प्रोडक्ट पर कंपनी पर और कहीं ना कहीं उसके स्टॉक पर भी अब कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनी ने अपडेट दिया है कंपनी अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक ब्रांड्स को 60.4 करोड़ में बेच रही है जिसका मतलब यह है की आटे और नमक के बिजनेस से कंपनी एग्जिट लेते हुए दिख रही है अब इस अपडेट का क्या इम्पोर्टेंस है और इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है वो सारी चीजें हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहिए शुरू करते हैं आइए मिलकर सीखते हैं अब दोस्तों इन दोनों ब्रांड्स के साथ अगर कंपनी एग्जिट ले रही है तो पहले हमें यह समझना है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फर्क पड़ सकता है अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की बात करें तो यहाँ पर दोनों ब्रांड्स की तरफ से केवल एक करोड़ की टर्न रिपोर्ट की गई थी अब ये जो ब्रांड है उमा ग्लोबल फूड्स पीटी लिमिटेड और उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जा रहा है जो रिएक्टिवेट ब्रांड्स इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी है और रिएक्टिवेट ब्रांड इंटरनेशनल एक सिंगापुर हेडक्वार्टर कंपनी है दोस्तों जिसका कहीं ना कहीं फोकस बना रहा है की वो ऐसी ब्रांड्स को एक्वायर करे और स्केलेबल बना दे हमारे कंट्री के अंदर ताकि वो अफोर्डेबल वेलनेस को प्रमोट कर सके इस के तहत जो भी ट्रेडमार्क कॉपी राइट्स और जो भी आईपी होता है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है इंडिया से जुड़ी हुई रहा तक अगर कोई और जोग्राफी यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर इनकी कोई ट्रेडमार्क है कॉपी राइटीस है तो वो सारी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी और जब तक ये पूरा ट्रांजिशन खत्म नहीं होता है तब तक एक्चुअली इस बिजनेस को मैनेज कर रही है अभी दोनों ब्रांड्स दोस्तों करीबन बीस वर्ष पहले से एग्जिस्ट करते हैं काफी बड़ा ब्रांड रिकॉल वैल्यू है अगर हम इंडियन मार्केट में दोनों ब्रांड्स के नाम को देखें तो अब दोस्तों एक्चुअल की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ है अपने पोर्टफोलियो में क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी है उसके तहत ही कंपनी ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है और उमा ग्लोबल फूड्स के को फाउंडर का भी ये एक स्टेटमेंट आया है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इसे स्केल कर सकते हैं वो और यहाँ तक इनका जो मिशन है अफोर्डेबल वेलनेस को प्रमोट करने का उससे भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव मैच करेगा अब तो मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि एचुअल पर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है यहाँ तक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है जो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में केवल कोर चीज़ों को रखने के बारे में सोच रही है और काफ़ी ऐसे डिसीजनस ले रही है जहां पर कंपनी आगे चल के अपने मार्जिनस को भी इंटैक्ट रख सके हाँ लेकिन इसके चलते एक छोटा सा हमें डिप आते हुए देख सकता है कंपनी के स्टॉक में और वो कहीं कही ना कहीं हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो लेकिन उसी के साथ एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें हमेशा क्वार्टरली नंबर्स पर फोकस रखना चाहिए और यहाँ पर किस तरीके के और अपडेट्स एक्चुअल की तरफ से आ रहे हैं उसे भी हमें समझना पड़ेगा जिसके हिसाब से हमें आगे आने वाली अपनी स्ट्रेटेजीज को कस्टमाइज भी करना पड़ेगा तो ये जो अपडेट है इसके वजह से एज अ इन्वेस्टर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आँखें खुली रखिए क्योंकि यहाँ पर अगर स्ट्रैटेजिक डिसीजन चल रहे हैं कंपनी में तो वहाँ पर स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और ऐसे में अगर एक्चुअल एज ए कंपनी आपको पसंद है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो आपको पसंद है अपार्ट फ्रॉम ये आटे और नमक वाला बिजनेस तो डेफिनेटली आपको शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में इस कंपनी के स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है और इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अगर मार्केट इस इंपैक्ट को बहुत बड़ा मानेगा शॉर्ट टर्म के लिए तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको जरूर इस कंपनी के स्टॉक को देखना भी चाहिए तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक कर करें पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके और क्विक और इजी अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि वहां पर भी काम की इनफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूँ उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा